तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो क्या ना मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से, और तुम्हें नहीं होगा फिर से। चुरा लूंगी मेरे म्यूजिक। क्या कहा मैरी ने राजीव से, क्या होगा रिया का फैसला, 10 सालों बाद क्या कर रहे हैं तीनों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। हमारी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरीके से मुंबई की सेंट मैरी कॉलेज में राजीव यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा आता है और अपने BFF मैरी यानी कि विक्की कौशल से मिलता है जो कॉलेज का रॉक स्टार है, और फिर दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। और फिर जब सेमेस्टर खत्म होने वाला होता है तब यूथ फेस्टिवल और इंटर कॉलेज बास्केटबॉल मैच का अनाउंसमेंट होता है, और तभी होती है कॉलेज की स्वीट हार्ट रिया यानी कि कृति सेनन की एंट्री, जो एक फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट है और जिसे देख कॉलेज में हर कोई पागल हो जाता है। और वो शेक्सपियर के रोमियो जूलियट प्ले को लीड करती है जिसमें जूलियट बनती है रिया और रोमियो बनता है राजीव। रिया, राजीव और मैरी काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मैरी राजीव से कहता है कि वो रिया को कितना पसंद करता है। तब राजीव अपने दोस्त के लिए अपनी फीलिंग्स को दबा देता है और रिया से दूरी बनाए रखता है, लेकिन रिया तो उसी को पसंद करती है। और प्ले के दौरान उनकी केमिस्ट्री देखकर सब काफी सरप्राइज हो जाते हैं और फिर वो मैच भी जीत जाते हैं। और उसके बाद मैरी आता है रिया को प्रपोज करने के लिए, लेकिन वो उससे कहती है, मैरी तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो और मैं राजीव को पसंद करती हूँ, कहीं ना कहीं राजीव भी मुझे पसंद करता है। ये सुन मैरी का दिल टूट जाता है और साथ ही वो राजीव पर गुस्सा भी हो जाता है। वो राजीव के हॉस्टल में जाता है और उससे पूछता है, क्यों किया तुमने ऐसा, मेरी फीलिंग्स का मजाक क्यों बनाया तुमने, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे ना, देन व्हाई। तब राजीव को कुछ समझ नहीं आता और वो उससे कहता है, मैरी रिलैक्स, शांत हो जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या किया है मैंने, धोखा दिया है तुमने मुझे, रिया को छीना है तुमने मुझसे। तब राजीव चौंक जाता है और उससे कहता है, क्या। तब मैरी उसे पूरी बात बताता है और गुस्से से कहता है, अगर तुमने मुझे ये पहले ही बता दिया होता कि तुम उसे पसंद करते हो तो मैं खुशी खुशी हट जाता, लेकिन तुमने तो मेरी पीठ पीछे ही मुझ पर वार किया है। ये सब सुन राजीव को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और फिर मैरी वहां से चला जाता है। और फिर राजीव रिया से मिलने जाता है और उससे पूछता है, क्या कहा तुमने मैरी से। तब रिया थोड़ा हैरान हो जाती है और उससे कहती है, क्या। तब राजीव उससे फिर वही सवाल पूछता है। तब रिया समझ जाती है कि उसे क्या कहना है और कहती है, मैंने उससे वही कहा जो सही है, अब माना कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम मुझे, फिर मैं मैडी से झूठ कैसे बोल सकती हूँ। ये सुन राजीव समझता तो है कि वो सच बोल रही है, लेकिन फिर भी उससे कहता है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तुम्हें ये बोलने से पहले मुझसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी ना रिया, तुमने खामखा मैरी को गुस्सा दिला दिया, मैरी मुझसे नाराज हो गया। तब रिया का मानो दिल ही टूट गया और वो उससे कहती है, तुम मुझे पसंद नहीं करते। तब राजीव उसके सामने देख तो नहीं पाता, लेकिन फिर भी अपना सिर हिला देता है। तब रिया कहती है, मैं नहीं मानती, झूठ बोल रहे हो तुम। तब राजीव अपना मन महसूस कर उससे कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम गलत समझ रही थी और अपना ख्याली पुलाव पका रही थी, मैंने ना ही कभी तुम्हें पसंद किया है और ना ही कभी कर पाऊंगा। राजीव ये कहकर चला जाता है और रिया उसकी ये दर्द भरी बातें सुनकर वहीं जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। और तभी वहाँ मैरी आ जाता है और उसे संभालता है, और वहाँ राजीव अपने कमरे में जाता है और जितनी कड़वी बातें उसने रिया से कही, उसका दिल और भी ज्यादा दुख रहा है और उसे और भी ज्यादा तकलीफ हो रही है, वो भी रोने लगता है और कहता है, तुम्हें हर्ट करके मैं तुमसे ज्यादा हर्ट हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए तुम्हारा दिल तोड़ना जरूरी था। फिर कहानी 10 साल आगे जाती है जहां हम राजीव को एक बड़े ऑफिस के बाहर आते हुए देखते हैं और उसका असिस्टेंट आकर कहता है, सर ये डील भी आपने क्रैक कर ली, आपका तो कोई जवाब ही नहीं है और इस साल का भी CEO ऑफ द ईयर आपको ही मिलेगा। ये सुन राजीव उसे एक स्माइल देता है और अपनी कार में बैठ जाता है। वहां हम देखते हैं कि मैरी एक स्टेडियम में बास्केटबॉल खेल रहा होता है और उसका जबरदस्त शॉट देखने के बाद एक लड़का कहता है, वाओ सर आपका तो कोई जवाब ही नहीं है, आपसे अच्छा कोच तो हमें मिल ही नहीं सकता, आप हमें भी ये शॉट खेलना सिखाइए ना। तब मैरी स्माइल करता है और फिर सबको प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है, और तभी उसका फोन बजता है और फोन होता है रिया का, जो उससे पूछती है, मैरी घर कब आ रहे हो। तब मैरी कहता है, बस कुछ देर में आता हूँ और फिर हम होटल में जाएंगे डिनर करने। उसके बाद मैरी और रिया एक होटल में खाना खाने जाते हैं, दोनों ही कैंडल लाइट डिनर करते हैं
और दोनों एक साथ काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। और इत्तेफाक से उसी होटल में राजीव की भी मीटिंग होती है और वो दूर से मैरी और रिया को देख रहा होता है और मुस्कुराते हुए मन ही मन कहता है, सालों से दुखी मेरे इस मन को तुम्हारी एक स्माइल ने खुश कर दिया, लेकिन ये स्माइल और ये खुशी शायद मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाता, लेकिन तुम हमेशा ही मेरे दिल में रहोगी। फिर वो अपनी मीटिंग कैंसिल कर देता है ताकि वो दोनों उसे ना देख पाए। और फिर इन तीनों को ही एक सेम मैसेज आता है। मैसेज देख रिया कहती है, कॉलेज का रीयूनियन होने वाला है, क्या हमें जाना चाहिए? तब मैरी कहता है, हाँ क्यों नहीं, पुराने दोस्त मिलेंगे। तब रिया कहती है, वो भी तो होगा। जो सुन मैरी का फेस डाउन हो जाता है और वहाँ राजीव भी ये मैसेज देखकर सोच में पड़ जाता है। क्या राजीव जाएगा रीयूनियन में? आपका क्या कहना है, क्या तीनों फिर से मिल पाएंगे? हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा विधानी ने।